नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कभी भी आपको थोड़ा सा कुछ अच्छा खाने का मन हो, थोड़ी बहुत भूख लगी हो, तो ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। आप इसे आसान तरीके से और हेल्दी नाश्ता रहता है बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं लौकी के मुठिये का हमें नाश्ता कैसे तैयार करना है। एक बाउल में हम 250 ग्राम एक गेहूं का आटा डाल देंगे। इसमें हमने 100 ग्राम रवा डाली है। आपको इसमें सूजी नहीं लेना है। और इन दोनों के अंतर की हमने एक वीडियो डाली है, वो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 50 ग्राम ये बेसन है। चौथाई चम्मच हल्दी है। आधी चम्मच लाल मिर्च है। आधी चम्मच ये जीरा और सौंफ सिकी और बटी हुई है। एक चम्मच नमक है। आधी चम्मच अजवाइन है। चौथाई चम्मच हम हींग ले लेंगे। करीब चौथाई चम्मच ये खाने का सोडा है। आटे में हमने सभी मसालों को मिला लिया है। थोड़ी देर के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। ये आधा किलो लौकी है, इसे हम धोकर अच्छी तरह छील लेंगे। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी आटे और मसाले को थोड़ा सा एक सा करेंगे। एक मीडियम साइज का ये नींबू का रस है, इसे डाल लेंगे। 2 नाश्ते की चम्मच ये तेल है। अब ये तैयार कद्दूकस की हुई लौकी हम इस मसाले में मिला देंगे। इसका हम डोर तैयार कर लेते हैं। और इसमें अभी हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, इसमें ज़रूरत भी नहीं लगेगी। और इसका हमें डो जैसे पूड़ी का डो हम तैयार करते हैं, आटा सेट करते हैं, उतना टाइट रखना है। ये अदरक हरी धनिया मिर्च का पेस्ट है, इसे हम 1 चम्मच के अंदाज में ले लेंगे। चाहे तो आप सूखे मसाले जब हमने ऐड किए थे उस समय भी डाल सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं। बीच में ज़्यादा सही रहता है, मिलाने में अच्छा रहता है। तो इसे अब हम मिला लेते हैं। ये आटा भी हमें ढीला लग रहा है क्योंकि कभी कभी लौकी के पानी के ऊपर भी हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें हमें आटा और मिलाना पड़ेगा। तो इसमें अभी हम करीब 50 ग्राम आटा और मिला लेते हैं। लौकी की मुठिया बनाने के लिए डो अच्छे तरह से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब डो तैयार हो गया है, सेट हो गया है डो। अब हम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इस प्रकार से हम लोई ले लेंगे और इस प्रकार से हम करते हुए इस साइज की हम लौकी की मुठिया बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये छन्नी है, इसमें हम बाफेंगे तो हम सीधे इसमें बना बना कर रख लेंगे। लौकी की सभी मुठियों को हमने तैयार कर लिया है, ये बाफने के लिए एकदम रेडी है। एक कढ़ाई में या भगोने में जिसमें हमें ये छन्नी रखना है, हमने 3 से 4 गिलास पानी डाल दिया और ये पानी अच्छी तरह से उकलने लगा है। अब हम ये छन्नी इसमें रख देंगे। इसे अब हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे और मीडियम फ्लेम में हमें घड़ी देख के 15 मिनट के लिए इसे बफाना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम थाली अलग कर लेते हैं। देखिए मुठिया अच्छी तरह से हो गए हैं। और मीडियम फ्लेम में हम जब 15 मिनट रखते हैं तो इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये अच्छी तरह से हो जाते हैं। यहाँ हम कर देंगे गैस को बंद और इसको हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे हम ठंडा होने देंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये छन्नी जो हमने रखी है जाली वाली, इसमें हमारा स्टैंड पहले से था, इस कारण से हमने नीचे प्लेट वगैरह कुछ नहीं लगाई। यदि आपकी छन्नी जो प्लेन रहती तो आप एक प्लेट या स्टैंड रख लीजिए। मुठिया अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। मुठियों को हम छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं इस तरह से। ये हमने सभी पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम तड़के की तैयारी पर चलते हैं। ये हमने कढ़ाई को गैस में रख दिया है और ये हमने सब्जी के 2 चम्मच तेल डाला है क्योंकि इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तेल गर्म होते ही हम एक अच्छा थोड़ा सा बड़ा चम्मच है राई डाल देंगे। राई थोड़ी ज़्यादा डालना है हमें। 1/2 चम्मच सौंफ डालेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च हैं 2 से 3। ये मीठी नीम है, मीठी नीम के पत्ते डाल देंगे। ये थोड़ी सी मीठी नीम है सूखी, ये थोड़ा सा हमने हाथ से क्रश कर लिया है, ये भी डाल देंगे।
जो भी मसाले हमने डाले थे अच्छी तरह से सोते हो गए हैं। अब हम यहाँ डाल देंगे लौकी की मुठिया। इसके बाद हम डालेंगे, ये मूंगफली है, इसे हमने रोस्ट कर लिया था और मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, करीब 2 चम्मच डालेंगे। तेल के साथ इसे नहीं डालना, नहीं तो तेल बहुत इसमें सोख लेता है, इसलिए इसे हम बाद में डालेंगे। शक्कर को हमने मिलाकर एक सा कर दी है और सबसे आखिरी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच ये चाट मसाला। और यहाँ हम गैस बंद कर देंगे, गैस बंद करने के बाद ही हम चाट मसाला को एक साथ मिला लेंगे। दोस्तों ये लौकी की मुठिया मैंने तो आपको बनाना बता दिया है, अब आपको बना के देखना है और आपको डिसाइड करना है ये आपको कैसे लगे हैं। और ज़रूर आप बनाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और एक मैं फिर नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।